राजधानी दिल्ली में पतंगबाजी बहुत ही लोकप्रिय खेल माना जाता है। अगस्त के महीने में तो पतंगबाजी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन चाइनीज मांझे के कारण लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं, जिसके चलते सरकार ने चाइनीज मांझों पर सख्ती से बैन लगाया है। लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार और मांझा सप्लायर चोरी छिपे चाइनीज मांझे सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया। स्पेशल स्टाफ के जवान अंकुश को रामगढ़ में चाइनीज मांझे के गोदाम की सूत्रों से जानकारी मिली। ये गोदाम अमरजीत सन ऑफ कुलवंत सिंह निवासी फ्लैट नंबर 500 LIG कॉलोनी संजय एंक्लेव GT डिपू जहांगीरपुरी उम्र 43 साल के द्वारा चलाया जा रहा था। अमरजीत कोडवर्ड के माध्यम से खुदरा विक्रेताओं को कार्टून बॉक्स में रात के समय चाइनीज मांझा सप्लाई करता था। इसे पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अंकुश, ASI जितेंद्र, HC सत्य नरेंद्र, HC प्रमोद, CT उत्तम और अमित कुमार शामिल हैं। टीम ने बड़ी कुशलता पूर्वक कोडवर्ड का पता लगाया और SET उत्तम को नकली ग्राहक बनाया गया। फिर उत्तम ने कोडवर्ड के जरिए अमरजीत के साथ चाइनीज मांझे के सौदे को लेकर सारा मामला तय किया। रात के 8 बजे B93 रामगढ़ महिंद्रा पार्क CT उत्तम अमरजीत के साथ गोदाम में पहुंचे। अंदर जाते ही अमरजीत ने जैसे ही चाइनीज मांझा दिखाना शुरू किया, तुरंत CT उत्तम का इशारा पाते ही टीम ने गोदाम पर छापा मारा और अमरजीत को पकड़ लिया। कुल 11,760 चाइनीज मांझे मोनोकाइट मांझे के नाम से बरामद हुए। अमरजीत पर FIR संख्या 956/22, US 188 IPC और 5/15 संरक्षण अधिनियम के तहत थाना महिंद्रा पार्क में मामला दर्ज किया गया। थाना महिंद्रा पार्क को बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें 11,760 चाइनीज मांझों के रोल सप्लायर के साथ धर दबोचे गए।